मम्मी जी पतंग उड़ानी नहीं आती तो गुब्बारा उड़ाया करो ना गुब्बारा। नींबू तैयार रखना आ रही। नींबू शिकंजी पीनी है गैस को। तू नाम की लकड़ी भेजना, चंदन की मत भेज देना, पता चला शादी में मैयत का सामान भेज दिया। भैया जी बात एक ही है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समित, आप देख रहे हैं समित प्रीव्यूज। मैंने देखी छतरी वाली, मेरा मतलब है छतरी वाली मूवी देखी, स्टारिंग रकुलप्रीत सिंह। क्या रही मूवी की स्टोरी और क्या हमें ये मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं, उससे पहले आपके लिए मैं एक शायरी पेश करना चाहूंगा। हालांकि ये शायरी मैंने खुद से नहीं लिखी है, गूगल से कॉपी की गई है। तो शायरी पेश करने में देखो यार, मैं शायर नहीं हूं तो कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। तो बात थोड़ी बोल्ट है, खुले दिमाग से लेना कि बात थोड़ी बोल्ट है, खुले दिमाग से लेना। कोंडम सिर्फ आबादी और बीमारी से नहीं बचाता, बदनामी से भी बचाता है। सो इसी के साथ चलिए शुरू करते। भी सवाल है बिना डरे मुझसे पूछ सकते हो। वजाइना क्या होता है मैम? यूट्रस का फंक्शन क्या होता है? बातें छोटे बच्चों को बताने के लायक नहीं है। सीखेंगे तो गलती और गलत दोनों से बचेंगे, ये आज की जरूरत है भाई जी। तो मैं तो पढ़ाऊंगी। यंग जनरेशन की यही बात मुझे बहुत पसंद है, हिम्मत बहुत होती है इनमें। 2020 खेलने वाला आदमी टेस्ट मैच खेल गया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं छतरी वाली मूवी की स्टोरी को लेकर के, देखो यार जिस तरह की ये स्टोरी है, पहले मुझे लगी कि जनहित में जा रही जो मूवी आई थी 2022 में, पहले मुझे लगा कि सेम उसकी तरह स्टोरी होने वाली है, बट उसकी तरह नहीं लगी, थोड़ी सी अलग हुई। कहां पर अलग हुई ये भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, भागिएगा मत अभी आप। अगर मैं बात करूं स्टोरी को लेकर के, तो हमें यहां पर रकुलप्रीत सिंह, उनकी मम्मी, उनकी बहन दिखाया गया कि एक परिवार में रहते हैं और वो परिवार का भरण पोषण करने के लिए केमिस्ट्री की ट्यूशन देती है बच्चों को। एंड फिर यहां पर हमें दिखाया गया कि एक कोंडम की जो है वो फैक्ट्री है, वहां पर कोंडम की गुणवत्ता चेक करने के लिए वर्कर की आवश्यकता है और वो किस तरह से रकुलप्रीत सिंह से मिलेंगे और उनको काम के लिए मनाएंगे और वो काम के लिए किस तरह से काम करेंगी और उनको घर वालों को भी नहीं पता होगा कि ये कहां पर काम कर रही है। एंड जब घर वालों को पता चलेगा तब उनका रिएक्शन क्या होने वाला है, ये आपको मूवी में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैं अगर ज्यादा कुछ रिवील करना चाहूँ तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो रिवील हो जाएंगी और मूवी की जो स्टोरी है ओवरऑल सबको है वो पता चल जाएगी, क्योंकि इतनी भी ज्यादा इसके अंदर हमें सस्पेंस नहीं है, कुछ सस्पेंस नहीं है। इसके अंदर हमें मैसेज दिया गया है किस तरह से आज के जो लोग हैं वो प्रोटेक्शन यूज करने में या फिर उनकी जो बातें करने में जो है वो शर्म करते हैं, उस पर ये जो मूवी है वो हमें एक मैसेज देना चाह रही है कि आप भाई कमरे के पीछे जो कुछ करते हो कीजिए, मना नहीं है, बट यार प्रोटेक्शन का यूज कीजिए, क्योंकि आपकी एक गलती के कारण जो पेरेंट्स हैं या फिर मैं कहूँ यहाँ पर जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो होती है लड़कियों को, क्योंकि जो लड़के हैं वो तो भाई खिसक लेते हैं, दिक्कत होती है वो लड़की को होती है और लड़की के पेरेंट्स को होती है। तो एक काफी ज्यादा हमें यहाँ पर अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है इस फिल्म से। तो मैं एक बार दिल से कहूंगा कि एक बार इसे आप जरूर देखिएगा, हालांकि भले ही आपको स्टोरी ऐसा लगे कि यार बहुत बोरिंग कर रही है या फिर कई की जगह आपको बोरिंग लगेगा भी और ऐसा लगेगा कि कुछ ओवर एक्टिंग हो रही है, बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगा, बट जो मैसेज है वो मैं चाहता हूँ कि सब तक पहुंचे और काफी अच्छा मैसेज है, इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही एक शायरी पेश कर दी थी। फिर से एक बार पेश करने की कोशिश करते हैं, शायद तक अब आपको ज्यादा समझ में आ जाए। बात थोड़ी बोल्ट है, खुले दिमाग से लेना कि बात थोड़ी बोल्ट है, खुले दिमाग से लेना। कोंडम सिर्फ आबादी और बीमारी से नहीं बचाता, बदनामी से भी बचाता है। तो अब आप लोग में से कौन कौन जा रहा है भाई इस मूवी को देखने के लिए, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ओवरऑल मुझे मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी और मूवी का मुझे फर्स्ट हाफ तो इतना अच्छा नहीं लगा, बट सेकंड हाफ काफी ज्यादा मजेदार था। एंड अब आप में से कौन कौन इसे देखने जा रहा है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है इसे देखने में। आपको ये मूवी कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिए, मुस्कुराते रहिए।